अखिलेश यादव के सियासी तेवर इस वक्त कई इशारे दे रहे हैं। चाचा शिवपाल से जुड़े सवाल पर अक्सर अखिलेश को बचते हुए देखा होगा, ऐसा कम ही देखा गया है कि वो कोई सीधी बात कह दे। लेकिन अब से शिवपाल ने आजम के नाम पर मुलायम पर सवाल खड़े किए हैं, तब से अखिलेश भी आपे से बाहर दिख रहे हैं। आजम की अनदेखी के आरोपों के नए भंवर के बीच अखिलेश की नाराजगी अब खुलकर जुबान पर आ गई है। चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट कायम है, लेकिन मन की बात को अब वो शब्दों में जाहिर करने में ज्यादा संकोच नहीं कर रहे। चाचा शिवपाल पर अखिलेश का सबसे बड़ा तंज। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। भतीजे अखिलेश का चाचा पर सबसे तीखा हमला। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। भाजपा को चाचा को जल्द साथ ले लेने की नसीहत। नाराजगी का कारण क्या चाचा से आप? मुझे कोई मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। चाचा शिवपाल को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है। इशारों में बातों का दौर गया, तंज और ताने का वक्त भी बीत गया, अब तीखे हमले खुल्लम खुल्ला शुरू हो गए हैं। चाचा शिवपाल ने एक दिन पहले लखनऊ में अखिलेश और मुलायम पर तीखा निशाना साधा था। मंगलवार को शिवपाल लखनऊ के दादा मियां दरगाह में रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं उन्होंने आजम का नाम लेकर नेताजी पर सवाल खड़े किए थे। आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए तो उनको परेशान किया जा रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है, तो हम भी गए थे। तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था। 24 घंटे के भीतर अखिलेश ने चाचा के हमले पर हिसाब बराबर कर दिया। चुटकी लेने से भी नहीं चूके, पूछे आखिर भाजपा इतनी देर क्यों कर रही है? बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। उधर बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया कि शिवपाल को कब पार्टी में ला रहे हैं, आखिर कब भाजपा में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव? जवाब सुनिए। हम लोग काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? मतलब कोई हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया आके मुख्यमंत्री जी से मिल जरूरत होगी, मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती हैं। अब सवाल ये है कि शिवपाल की आगे की राह क्या होगी? क्या वो वाकई भाजपा का हाथ थामेंगे या फिर आजम खान और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाएंगे? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन समाजवादी परिवार में चाचा भतीजे की खुली आर पार ने अब सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।